नमस्ते, मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वे भी क्या दिन थे, है ना। आपका नाम है वे भी क्या दिन थे। हम इसको बहुत अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। हम जब भी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तब भी हम कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे, है ना। और ये भी एक काल्पनिक कहानी है ना, जिसको कह सकते हैं कि आने वाले समय में कितनी चीज़ें किस प्रकार से बदल जाएंगी, कितनी तकनीक विकसित हो जाएगी और हम भी किस प्रकार का जीवन जीने लग जाएंगे, ये एक कल्पना है ना। हालांकि आज अगर आज की परिस्थिति में सोचें तो ये बहुत कुछ साकार होते हुए भी लग रही है। मेरे हाथ में अभी जो देख रहे हो इसे कहते हैं पुस्तक, आप सभी जानते हो, है ना। और इसी पुस्तक से संबंधित आज का ये हमारा पाठ है। घटना महत्वपूर्ण थी, पाठ प्रारंभ करती हूँ। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो कल्पना कहाँ तक गई है, आज हम जी रहे हैं 2020 में और कल्पना चली गई 2155 में। और जब ये कहानी लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, 1967 मतलब 1967 में। तो जिस समय की ये कल्पना है उसके लगभग 200 वर्ष पहले की, है ना। हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा घटित हुआ कि कुम्मी ने उसे अपने डायरी में लिखा और कब लिखा, 17 मई सन 2155 को। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। तो वो कह रही है कि उनके दादाजी ने बताया था, कुम्मी के जो दादाजी है उनके भी दादाजी उनको बताते थे कि उनके जमाने में जो कहानियां है वो कागज पे छपा करती थी। मतलब ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है जिसे हम पढ़ रहे हैं ये एक कल्पना हो जाएगी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो उनके कहने का मतलब पन्ने होते हैं पे, ये इसका पृष्ठ है, ठीक है, ये ऊपरी पृष्ठ है, ये इसका पीछे का पृष्ठ है। तो उनके कहने का मतलब था कि पढ़कर उसे एक पृष्ठ पे पढ़ा, उसके बाद उसे आगे पढ़ दिया, पलट दिया जाता था। और अक्षर जो है वो एक जगह स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। हमारे फोन में हम स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं, ऐसे ही जब आने वाला समय रहेगा तकनीक इतनी हम लोग इस प्रकार का जीवन जीने लग जाएंगे कि हमारा पूरा अध्ययन कंप्यूटर पे, सबकी अपनी अपनी एक मशीन होगी और उसी से हम पढ़ा करेंगे, है ना। ऐसी इसमें कल्पना करी गई है। आज भी हम मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, बच्चे लैपटॉप के थ्रू पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि एक दिन विद्यालय खुलेंगे और हम फिर से विद्यालय में जाके पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कल्पना ये करी गई है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि हम उसी से ही पढ़ेंगे। और आज का समय देखते हुए हो सकता है ये कल्पना कहीं ना कहीं सार्थक भी हो जाए। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नहीं रहती है। तो जो रोहित जिससे उम्मीद बात कर रही है वो कह रहा है कि उस समय कितनी किताबें बेकार होती होंगी, एक बार पुस्तक पढ़ लिया उसके बाद वो खराब हो गई क्योंकि वो फिर हमारे काम ही नहीं आती है। लेकिन अब जो है कि वो जिस समय पढ़ रहे हैं तो उनके पास एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे वो सारी जितनी भी पुस्तकें उनको पढ़नी है वो सब वहीं रहती है। कितनी भी बार पढ़ो वो पुरानी नहीं होती है, बेकार नहीं होती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली। तो कुम्मी उसकी बातों में हाँ मिला रही क्योंकि हम जिस परिस्थिति में जीते हैं उसी को स्वीकार करते हैं। तो कुम्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उससे पूछा कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया कि अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो मतलब
अगर इस कहानी के लिखने के समय के अनुसार देखें तो ये लगभग पौने 200 साल या लगभग 200 साल के आसपास 10-12 साल का अंतर रहेगा, और अगर 2020 के उससे देखें तो 125 साल के आसपास यह पुस्तक उसको पुरानी पुस्तक उसको मिली थी। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। वो पूछ रही है कि इसमें लिखा क्या है, तो वो कह रहे हैं कि स्कूलों के विषय में लिखा है। तो मतलब ये भी एक, आज हम बहुत सारी पुरानी चीज़ों के विषय में पढ़ते तो हमें कल्पना नहीं होती है कि इस प्रकार भी, जैसे आज हम गुरुकुल के विषय में सुनते हैं, आज भी गुरुकुल होते हैं लेकिन उस प्रकार के गुरुकुल नहीं होते जैसे प्राचीन काल में हम सुनते थे कि भगवान राम कृष्ण ये गुरुकुलों में पढ़ते थे, पेड़ के नीचे बैठ के और ऐसा आश्रमों में रहते थे। वो हमारे लिए कल्पना की ही चीज़ है। वैसे ही आज वो भी, आज के जो हमारे विद्यालय है इसके विषय में बात कर रहे हैं कि उसमें स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्भी ने प्रश्न किया कि उसके विषय में लिखने को है ही क्या। तो सुना कि ऐसा क्या है स्कूलों के विषय में कि इसमें उसका वर्णन है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो कुम्भी के अनुसार तो सबके पास एक मशीन होती है और उस मशीन के सामने पे एक पर्दा लगा होता है और उसी के सामने बैठकर हमें पढ़ना होता है नियमित रूप से, और वही पढ़ना होता है जो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, और जो होमवर्क उस मशीन के द्वारा दिया जाता है वो अगले दिन उसमें डाल देते हैं। हमारी गलतियां बताकर फिर वो हमें समझाती है, और वो मशीन जो है वो उनकी जो चीज़ें हैं, जो गृह कार्य है उनका होमवर्क है उसको चेक करती है और उनकी गलतियों को उनको समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है ना। और जब एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो वही मशीन क्या करती है, उनको दूसरे सब्जेक्ट के लिए बोलती है और उनको पढ़ाना आरंभ करती है। कहते कहते कुम्भी थक गई, अंत में बोली कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो बच्चों को विद्यालय अच्छा भी लगता है और बहुत बार जाते जाते बच्चे बोर भी होने लग जाते। तो वैसे ही कुम्भी कह रही है कि स्कूल का काम बहुत बोर कर देने वाला, बहुत उबा देने वाला होता है, किंतु ये जो पाठ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको फिर से पढ़ेंगे, फिर से समझेंगे, आगे भी आप अगर इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए इसको आगे आप पढ़ना कि भविष्य हमारा कैसे होने वाला है। धन्यवाद।